नौ दिन की पूजा अर्चना के बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शहर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से यमुना किनारा मार्ग के पास स्थित हाथी घाट दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यमुना किनारा मार्ग पर यातायात डायवर्जन भी कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथी घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि माता की जो प्रतिमा है यहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहां पर जो कुंड बनाया गया है माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। इस तरह से काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मां के जयकारे लगा रहे हैं और देखा जा रहा है कि जिस तरह से काफ़ी संख्या में यहाँ पर जिस तरह से बात की जा रही है, काफ़ी संख्या में यहाँ देखा जा सकता है कि भक्त माता की प्रतिमा के विसर्जन के लिए यहाँ उमड़ पड़े हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि जिस तरह से कहा जा सकता है एक तरफ, दूसरी तरफ अगर पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाहर से जो आ रहे हैं जो श्रद्धालु उन पर उस पर पूरी नज़र रखी जा रही है, पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। और पास ही साथ में यहाँ पर जो जमुना जी की जो कह सकते हैं कि जो जमुना जी का पानी जो अभी यानी उफान पर है उसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से नजर आ रहा है। और देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं में जो यहाँ पर श्रद्धालुओं में जो आस्था का भाव है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और माता के जयकारे लगा रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर दो कुंड बनाए गए हैं, यहाँ पर एक कुंड यहाँ पर है, उसके पीछे एक और कुंड है जो यहाँ पर जो माता की प्रतिमा है उनको विसर्जन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में साहब के किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पूरी तरह माता के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर पूरे भक्ति भाव से यहाँ माता की प्रतिमा विसर्जन करने आए हैं। आप देख रहे हैं अपने कैमरा टीवी अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि हालांकि यह नज़ारा आपको पूरे शहर में जगह जगह देखना जा रहा है। यमुना किनारे जैसे यमुना देख सकते हैं कि आप, यमुना पानी से लबालब है और उसको देखते हुए जो सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है वो भी अद्भुत कहा जा सकता है। अपने साथी राहुल के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।